आ जाओ भाई, आ जाओ। मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। बड़े खुश होकर स्टार्ट कर रही हूँ। पिछली बार कितने दुखी मन से किया था, जिन लोगों ने भी मुझे मैसेज किया था उन सबका बहुत दिल से थैंक यू यार। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि अंदर से बुरा फील होता है, तो बस वैसे ही कुछ हो रहा था। और मैं आपसे बता रही थी कि अंजू आने वाली है, तो अंजू आ गई है। घर इतना ज़्यादा मेरा फैला पड़ा है इस टाइम पे, क्योंकि अंजू का सामान निकाला है और ये जो कुर्ता मैं पहनी हुई अंजू मेरे लिए लेके आई है। लाई तो उसी के लिए थी पर मैंने हजम कर लिया है, और भी कपड़े लेके आई है। तो मैं अभी एक एक करके उसके कपड़े पहले चेंज करूंगी, इसके बाद घर समेटूंगी। घर इतना ज़्यादा फैला पड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ओहो, बच्चे नहा के आए तो वो ऐसे बैठे हुए हैं। अंजू का फ़ोन मेरे पास से, मैं भी फ़ोन अभी चेंज करने ही वाली हूँ अपना। तो अब मैं जाती हूँ, दिखाती हूँ कि क्या क्या रहता है। एक अब बैक कैमरे से पूरा वो दिखाती हूँ ग्राउंड की क्या चल रहा है घर में। और इसके बाद हम नहीं अभी नहीं दिखा रही, इसके बाद हम दिन की शुरुआत करते हैं। ये बैक कैमरे से मैं दिखा रही हूँ, ये देखो ये फैला रहा, पूरा फैला पड़ा है। कॉकरोच बैठा है, बच्चे नहाए धोए बैठे हैं। ए भैया, मम्मी तो ब्लाउज ही पहन रही है। अब ये इनका रूम देखो जरा, ओहो, इस रूम में कभी मेरे पति देव सोया करते थे अभी कुछ दिनों के लिए। और ये वाला कुर्ता जो मैं बता रही ना अंजू लेके आई है, कितना प्यारा लग रहा है ना। और भी सूट लाई है, मैं जैसे सूट पहनती नहीं हूँ, लेकिन अभी फिलहाल तो अभी अंजू आई है तो कुछ दिनों तक तो यही दिखेंगे मेरे भी। अब एक सेकंड ना, तो ना ये मेरे रूम के हाल हो रहा है मेरे, मतलब मैं इस साइड तो कैमरा करने की भी नहीं हूँ क्योंकि इधर तो कैमरा आएगा, बच्चे नंगू बैठे हैं नहा धोके। जे झलक सिंह बैठी बेचारी, और अंजू जितनी साड़ियाँ वगैरह लेके गई थी मेरी वो लाई, कुछ अपने पास से भी लाई जो उनके पास रखी थी पहले की साड़ियाँ। सो अब हम जाते हैं नहाए, बिना नहाए सुबह से इतनी पंचायतों में लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद पूरा दिन दिखाते हैं कि हम लोग कर क्या क्या रहे हैं। ये रहा संजू, ये रहा पिया, ये मेरी कॉफ़ी के लिए दूध चढ़ा दिया मैंने, इन लोगों के लिए चाय चढ़ा दी है। और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो अब मैं आलू थोड़े से, कितने गंदे आलू हो रहे मेरे, थोड़े से आलू चढ़ा रही हूँ, कुछ सैंडविच वगैरह बना लूँगी बच्चों के लिए। तो ये वीडियो ना दो तीन दिन का मिलाकर बना है। और अंजू काफ़ी सारे कपड़े लेके आई थी, मैं उसके कपड़े एक एक करके ट्राई करके देख रही थी। तो ये वाला सूट मैंने रख लिया अंजू का, मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअली ना मैंने काफ़ी सारे कपड़े ट्राई करे थे, लेकिन जो मैंने रखे हैं जो मुझे पसंद आया मैं आपको दिखा वो वाले रही हूँ। ये हकोबा प्रिंट का कुर्ता इतना प्यारा था, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम थी, इतना फैंसी आप मतलब किसी चीज़ के संग पहनोगे तब भी मज़ा नहीं आएगा, और इतना नी से ऊपर है तो कोई घर में घर वाले पहनने भी नहीं देंगे। अब ना अंजू भी, उनका भी यूट्यूब चैनल है और वो अपनी ब्लॉगिंग कर रही थी। दवाई लेके की दवाई खा लो, तो दवाई खाते हैं और चाय पीते हैं, तो भी चाय बना रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो अब जाएंगे हम सब्जी लेने, तो फटाफट से रेडी होके आप लोगों से मिलते हैं। अब ना जाने से पहले हम लोगों ने एक बनाना शेक पिया था, इसमें ना मैं केला डालती हूँ, एक कॉफी का पैकेट। कॉफी डालने से ना इसका फ्लेवर एक अलग ही तरीके का रहता है, बहुत चॉकलेटी टाइप का, आप ट्राई करना बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग ना मार्केट आ गए हैं, और मार्केट आते से अंजू की डिमांड होगी सबसे पहले उसका चश्मा लेना है, ठीक है। तो हम चश्मे की दुकान पे आए हैं और मैंने कई सारे ट्राई करे, आए हाय हाय मुझे ये वाला जम रहा है, वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा है मुझ पर, और हाँ अच्छा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं मार्केट के अंदर, आप तो सोचोगे तो सच धज के मार्केट में आए हैं, वीडियो बनाने हम लोगों से, इसलिए तो हाँ ये मुझ पर अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आपको साइड में दिखाती जाऊँगी कैसे कैसे लग रहा है, सही लग रहा है। ले रहे पप्पी लहरी वाली चैन, मैंने ये लिया है 9 लाख का हार, ये कॉजी शॉप से। अब हम ट्राई कर रहे हैं दूसरा 9 लाख का हार, कैसा लग रहा है? बढ़िया। हाँ, इसको अंजू अप्रूव नहीं कर रही है यार, स्टाइलिंग में तो काम आते हैं। यहाँ पे ना अंजू अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, और क्योंकि मेरे फ़ोन का कैमरा तो ब्लर है, तो मैं भी अंजू के कैमरे में आ रही थी। मैंने सोचा ब्लॉगिंग चल रही है, अपन भी मतलब इसी में आ जाओ, साथ में दोनों बना लेंगे। और हम लोग तरह तरह के चश्मे ट्राई कर रहे थे, दोनों ने सेम सेम से ले लिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अब जैसा है। तो हम आ गए हैं सब्जी मंडी, और ना मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सब्जी मंडी पे इससे पहले ब्लॉग बनाया नहीं, तो मुझे बड़ी शर्म सी आ रही है। और सुबह कितने धरे, और ना सुबह सुबह के टाइम पे, तो मेरी ना दुकान फिक्स है, मैं एक ही दुकान से लेती हूँ, मेरी दुकान आ गई, ये रही मेरी दुकान है। लेकिन दुकान वाले भैया है नहीं फिलहाल, तो भैया कहाँ है भैया? चलो मैं सब्जी ले लेती हूँ, फिर मैं आपसे बताती हूँ। ये देखो ये अंजू मैडम, हेलो, साथ में थैला लिए घूम रही हैं। ये भैया भी आ रहे हैं ब्लॉग में, सब्जी ले रहे हैं, ठीक है। अब ड्राइवर चेंज हो गया है और अब हम वापस हो गए घर के लिए,
देखो इनसे सब्जी ज्यादा पकड़ाती नहीं, इसलिए सब्जी मैंने पकड़ी नहीं, 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 नहीं। और है ना इसी में मेरा ब्लॉग भी इंक्लूड कर लेना, मेरा ब्लॉग भी अंजू के साथ साथ चल रहा है, ठीक है? तो हम घर मिलते हैं आप, ठीक है? मिलते हैं घर पे, नहीं तो कोई हाथ के हाथ मोबाइल छुड़ा के ले जा नया नया मोबाइल मोड़ी को। हम लोग ना घर आ गए मार्केट से, मैंने कपड़े चेंज कर लिए फिलहाल, दिन में कुछ साड़ी स्टाइलिंग का वीडियो बनाऊंगी तो डालूंगी, और अभी ब्रेकफास्ट नहीं करा तो जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने। हाँ बेटा, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, अब चार बच्चे इकट्ठे हो गए ना तो बहुत ज्यादा मस्ती करने लग गए हैं, और बहुत गर्मी पड़ रही है यार, अभी स्टार्ट हुआ। दो मिनट हो बेटा, मुझे थोड़ी सी बात कर लेने दो, थोड़ा अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी है, जबकि अभी स्टार्ट ही हो गई है। और अभी मैं मेरे फोन से शूट कर रही हूँ, मेरे फोन से शूट करती थी ब्लर आता है, अंजू के फोन से बहुत क्लियर आता है। मैं बहुत जल्दी फोन चेंज कर दूंगी, मतलब नेक्स्ट मंथ ही चेंज करने वाली मैं फोन। तो अभी जाती हूँ मैं नाश्ता करने के लिए, फिलहाल दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं मेरे, सब बच्चे चार बच्चे चारों की अलग अलग ही वो चलती रहती है। और आज मैं ये जो शूट कर रही हूँ ना, ये ट्यूसडे का दिन है, तो देखती हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं स्टाइलिंग का वीडियो बना लूँगी, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं तो मतलब फिर ब्लॉग ही डाल दूँगी, तो देखती हूँ मतलब कि क्या कैसा रहता है, ठीक है? ये मेरे बच्चे, ये संटू लगा है अभी कुछ अपनी बुक में करने में, ये सारा लगी है, ये रुद्दू भाई हैं, और ये संटू, ये कल्लू भाई हैं। इनका चैनल है यूट्यूब चैनल वर्किंग मॉम, सब्सक्राइब कर लेना। अंजू बोलो अपने चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वर्किंग मॉम, वर्किंग मॉम इनका चैनल है, और उसमें भी हम सब दिखेंगे आपको, तो अलग तरीके से दिखेंगे, इनके तरीके से दिखेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं उसका वो कुछ लगा दूंगी, वो प्रोफाइल पिक्चर भी, क्या नाम है इसका, रुद्र। ये ना किसी से बात नहीं कर रहा, अभी अभी यहाँ नया आया है। मेरे उस टेबल पर देखो कितने कपड़े फैले पड़े हैं, अभी बहुत ज्यादा फैले पड़े हैं। फैला खैर, आप लोग सोचो कि मेरा घर साफ कब रहता है, फैला ही तो रहता है। चलो अब मैं जाती हूँ कुछ खाने के लिए, चल रही है सफाई। अंजू ना एक बात तो है इसकी, एक स्पेशल बात बताऊं, ये बहुत सफाई सफाई पसंदीदा इंसान है, ये मेरे रूम की करी कराई सफाई को साफ कर देती है। इसने अभी यहाँ पे सब्जी जमा दी, सब्जी जो हम लाए थे मार्केट से, और यहाँ अभी ये साफ करेगी। कह रही दीदी आपने कितनी पन्नियाँ ठूस के रखी हैं, जबकि मैंने इसके आने खुशी में सब कुछ साफ किया था। हाँ अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए, क्या बना लूँ, क्यों मैडम? गिलकी, गिलकी बना रहे हैं, क्योंकि काट लिए गिलकी बनाऊंगी। और बच्चे देखो अपने चाचू के संग कितने मगन होकर खेल रहे हैं, सबके सब देखो दिखाती हूँ, इनकी ना वो छुपा छुपाई चल रही है, सब चार बच्चे पूरी रेल बना बना के खेल रहे हैं। ये देखो ये खेल रहे चारों के चारों। हेलो मैडम, हेलो जी, हमारी गिलकी कट गई है, और मैं आपको दिखाती हूँ झलक। आज मैंने आपको झलक नहीं दिखाई अभी तक, ये रही झलक की झलक, झलक भून रही पापड़, दो बुन तेल में भून रही, मतलब देखो जरा इसका। तो इन दिनों ना सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दोपहर का खाना करते करते हम लोग को 4:30 बज गए थे, इसके बाद हम लोग सीधे मेले के लिए आ गए थे। मैंने सोचा आपके लिए ये भी क्लिप शूट कर लूँ, क्योंकि ब्लॉग बन रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसा सिस्टम, ये अंजू अपना ब्लॉग कर रही है, मुझे ना सिस्टमेटिक तरीके से वो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ कि मैं आपको प्रॉपर एक कुछ के बाद दिखा पाऊँ, बस रैंडमली जहाँ जो समझ में आ रहा वहाँ वो शूट कर ले रही हूँ मैं। तो हम लोग आए थे फटाफट, सबसे पहले तो जाते से हमें मिल गया था इसका क्या कहते हैं इसको, ब्रेक डांस, हाँ ब्रेक डांस का टिकट, और हमने झूला सबसे, मतलब मुझे सबसे बेस्ट लगता है ब्रेक डांस में, इसमें एक पे दो ही बैठ सकते हैं, तो मैं और अंजू साथ में बैठ गए थे, और झलक अलग, तो झलक दो कितनी उड़ रही है वो, तो पापा की परी बनकर, और हम लोग बहुत मजे कर बहुत मजे आ रहे थे। अरे रुक रुक ऐसे कर लूँ आड़ा कर। तो ना इससे पहले मैंने कभी भी अपनी आइडेंटिटी ऐसे लोकल में एक्सप्लोर नहीं करी थी, बताया नहीं था किसी को भी कि मैं, मतलब डिस्क्लोज नहीं करी थी अपनी आइडेंटिटी कि मैं कौन हूँ या मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन अभी अभी मैं करने लग गई हूँ, तो मुझे लोकल में काफ़ी लोग मिलने लग गए हैं जो एकदम अचानक से मुझे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे अंजलि मिली थी, ये भी यूट्यूबर है और इसका भी चैनल है अंजलि की दुनिया, मैं उसकी भी लिंक वगैरह कुछ दे दूँगी, तो आप देखना बहुत प्यारे ब्लॉग्स बनाती है, अगर आप ललितपुर से मुझे देख रहे हो तो आप जरूर देखना, बहुत प्यारे ब्लॉग्स बनाती है ये भी। तो ये मुझे मिल गई थी, ये इसने शूट करा था, और फिर मैंने भी झलक को फ़ोन देके मैंने भी कुछ शूट करवा लिया था। इसके बाद हम लोग मेले में यार एक जैसी सब दुकानें होती हैं, तो आप क्या ही देखोगे, तो हम लोगों ने हर माल 10 रुपए, मुझे लगता है सबसे बेस्ट दुकानें यही होती हैं, क्योंकि ना बहुत छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो एक्चुअली मतलब हम लोग नहीं ऐसे बड़ी बड़ी दुकान जाके लेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट देख के मिल जाती हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ इंस्टा के शॉर्ट लेते, ये मेरी सबसे बेस्ट चीज़ है, किसी भी मेले में जाती हूँ ये फुंगी लेके जरूर आती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये फुंगी। तो बस ऐसे अब ये मुझे एक और फैन मिली थी, मतलब मुझे कई सारे फैंस मिले थे, मेरे फैन क्या बताऊँ यार, अभी इतना मेरा कुछ वो नहीं है कि फैन, लेकिन हाँ पहचानने वाले काफ़ी सारे लोग मिले थे। अब इसके बाद ना सबसे मिल मिलाकर हम स्टार्ट हो गए थे अपनी असली औरतबाजी करना, मतलब सारी दुकानें मुझे छाननी, लेना भले ही कुछ ना, मैं लहंगा भी ट्राई कर रही थी, सोच रहा मेले में लहंगा कौन देखता, लेकिन मैं देख रही थी। अब इसके बाद ना यह बैग और पर्स की दुकान पाई थी, मुझे अच्छे लग रहे थे लेकिन इनमें स्पेस नहीं था बहुत ज़्यादा, मुझे रेगुलर के लिए बैग एक चाहिए होता जिसमें मोबाइल रख लूँ पैसे वगैरह रख लूँ, लेकिन मुझे इनमें किसी मज़े नहीं आ रहे थे क्योंकि इतने मजबूत नहीं थे।
अब फाइनली सब कुछ देखभाल के हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। ये जगह आपने कई बार देखी होगी मेरे वीडियो में, जब मैं नवरात्रि में जाया करती थी तो इस जगह को बनाती थी। यहाँ पे रुक के ना हम लोग कुछ रील्स बनाने लग गए थे, इसके बाद हम अपने सीधे घर चले गए थे, और इसके बाद जो क्लिप आएगी वो नेक्स्ट डे की आएगी क्योंकि बचा हुआ शूट ही नहीं किया था। मैंने ना ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया लेकिन मुझे खुद नहीं पता कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है सब कुछ। मतलब बच्चे दिन भर इतनी मस्ती कर रहे हैं कि कुछ मतलब टाइम ही नहीं था दोबारा कुछ और शूट करूं। रैंडमली कुछ भी कहीं शूट रहा था, भूल ही जाते हम लोग। भी नहीं नहीं चलाओ, कहीं भी कुछ भी चलता रहता। अभी इनके चाचू वहाँ गए थे, कहाँ गए थे मेला जहाँ कल हम लोग गए थे, तो वहाँ से हम लोग सब चीज़ लेके आए थे, वही मैं इनको दिखा रही आपको। और हम भी मेला गए थे तो मुझे लगा कि मैं आपके संग वो मेला का शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने आपके संग वो शेयर किया था। और कुछ होगा तो मैं, और हाँ अंजू मेरे लिए क्या क्या लेके आई मैं एक बार आपको बैठ के अच्छे से वो दिखाऊंगी। इसके बाद मैं देखती हूँ मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ से क्या क्या है, फिर रैंडमली उसको एंड करूँगी। ठीक है, हाँ सारा और करो, सारा और करो। हाँ देखो ये लाइन के चाचू आप। तो यहाँ पे भैया ना मेला गए थे मेरे बाद, मेरे देवर मेला गए थे, तो वो बच्चों के लिए ये सब सामान लेके आए थे, तो बच्चे बस उन्हीं से खेलने में लग गए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बैकग्राउंड से बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, बच्चे हैं घर में तो मैं कब तक सबको चुप करूँ यार। अभी कुछ दिन तक आपको शायद ब्लॉग्स मिलेंगे, बीच में स्टाइलिंग वीडियो भी आएंगे मेरे और अंजू वाले। मुझे दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिला, थकी हुई बहुत, लेकिन तब भी मैं आपके लिए शूट करने बैठी हूँ, तो बहुत जल्दी बहुत प्यारा स्टाइलिंग वीडियो आने वाला है। बाय बाय।